सो गाइस वेलकम बैक टू नर्सोफीलिया, दिस इज़ आकांक्षा गुलाटी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों को लगने वाले टीकों के बारे में और इम्यूनाइजेशन के बारे में, जो कि बच्चे को पैदा होने के जो बिल्कुल बाद लगती है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि पैदा होते ही लगवा लेनी चाहिए, उन टीकों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर किसी ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो माय चैनल ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब इट ऑन यूट्यूब विद द सेम नेम नर्सोफीलिया। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो बेसिकली इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या होता है, जो हम बच्चों को टीका लगवाते हैं वो क्यों लगवाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहले 6 किलर डिजीज़ की वीडियो बनाई थी कि 6 जानलेवा बीमारियों के बारे में बताया था जो कि बच्चों में हो जाती हैं और वो उनके लिए जानलेवा हो सकती हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा होने लगी तो प्रोग्राम्स वगैरह आए जिनके अंडर रिसर्चेस हुई और वैक्सीन्स बनाई गई, जो कि अगर हम बच्चों को लगवा दें तो हम बहुत ही जानलेवा बीमारियां, जो कि वायरस और बैक्टीरिया किसी की भी वजह से है, उनसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो जब भी हमारा बेबी होता है तो पेरेंट्स को एक इम्यूनाइजेशन कार्ड दिया जाता है, उस पर उसकी डेट वगैरह सब कुछ लिखी होती है। तो कुछ पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे को इम्यूनाइज करवाते हैं तो उनका बच्चा जो कि है बीमारियों से बचा रहता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करना है। जो उसमें मतलब एज पे जो वैक्सीन लगनी है वो हमें बच्चे को लगवानी है। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पैदा होने के बिल्कुल बाद टीके लगते हैं उनके बारे में। तो जो सबसे पहले बेबी का बर्थ होता है तो सबसे पहले हम देते हैं विटामिन के का इंजेक्शन। विटामिन के का इंजेक्शन जो है वो हमारे इम्यूनाइजेशन में नहीं होता, वो बच्चा पैदा होने के बिल्कुल बाद दे दिया जाता है, जो कि एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। वो क्यों दिया जाता है? वो बच्चे को दिया जाता है बेसिकली ब्लड क्लोटिंग के लिए, और कि ब्लड क्लोटिंग हो जाए। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर विटामिन के की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो जो ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं जो कि सीवियर हो सकती हैं लेटर ऑन लाइफ में, या फिर बच्चे के लिए वो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती हैं, उनसे बचाने के लिए हम देते हैं सबसे पहला विटामिन के का इंजेक्शन। उसके बाद जो आती हैं वो 3 हैं वैक्सीन्स जो कि हमारे इम्यूनाइजेशन में इंक्लूडेड हैं। जो सबसे पहली है वो है OPV, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। उसके अंदर क्या होता है, उस ओरल बोल रही हूँ मैं, ओरल पोलियो मतलब ओरली देंगे, माउथ से देंगे, और पोलियो वैक्सीन है तो पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। जो पोलियो है वो क्या है, पोलियो एक वायरल डिजीज़ है जो कि किससे होती है, पोलियो वायरस से होती है। ये जैसे कि मैंने 6 जानलेवा बीमारियों वाली वीडियो में भी इसे इंक्लूड किया था। तो जो पोलियो है वो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है, और ये बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर होने पे पैरालिसिस वगैरह भी कोस कर सकती है। तो उससे बचाने के लिए हम देते हैं पोलियो वैक्सीन। तो इसकी हम 2 ड्रॉप देंगे बच्चे को एज सून एज पॉसिबल बर्थ के बाद हम बच्चे को दे देंगे। उसके बाद जो आती है वो आती है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो डोज है वो हम विद इन 24 आवर में दे सकते हैं हम अपने बेबी को। उसके अंदर क्या होता है, जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर की डिजीज़ है, जो डिजीज़ जो ब्लड जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं उसकी वजह से फैल सकती है, जो कि मदर से बेबी को भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो उस बीमारी से बचाने के लिए हम जो वैक्सीन देते हैं बेबी को वो हम बर्थ पे देते हैं, या फिर पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर दे देते हैं। तो वो जो है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, वो बच्चे को लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों से बचाती है। अगर वो हम नहीं देते तो बेबी को लेटर ऑन लीवर डैमेज और कैंसर वगैरह भी हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए जो दूसरा है वो क्या है, हेपेटाइटिस बी। उसके बाद जो तीसरी आती है वो होती है BCG। BCG जो वैक्सीन है वो दी जाती है बच्चे को पैदा होने के एज सून एज पॉसिबल। वो एक इंट्राडर्मल इंजेक्शन है जो कि लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है, जिस जो लगने के बाद कुछ ऐसा पिंपल सा बन जाता है 2-3 दिन के लिए बच्चे के लेफ्ट अपर आर्म में, और बाद में उसका बहुत छोटा सा एक निशान रह जाता है जो कि अभी भी मतलब बड़े होने के बाद भी हमें महसूस होता है लेफ्ट अपर आर्म पे।
जो कि निशान है वो किसका है, BCG वैक्सीन का। तो वो क्यों दी जाती है BCG वैक्सीन? BCG वैक्सीन दी जाती है हमें TB से बचाने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए, जो कि किससे फैलती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरियल डिजीज से बचाने के लिए, जिसको भी मैंने 6 जानलेवा बीमारियों में इंक्लूड किया था जो कि बच्चे में जानलेवा हो सकती है। वो क्या कर सकती है, वो लंग्स को, लिम्फ नोड्स को और स्किन को और यहाँ तक कि ब्रेन तक को अफेक्ट कर सकती है बेबी में। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम वो वैक्सीनेशन करवाते हैं बच्चे के अंदर। तो ये 4 थी, विटामिन के, OPV, BCG एंड हेपेटाइटिस बी, जो कि हम जन्म लेने के बाद विद इन 24 आवर्स बच्चे को लगवाते हैं इंजेक्शन्स। और अगर मतलब कि नहीं लगवाए तो वो बच्चे के लिए ये डिजीज़ जानलेवा हो सकती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए टू फॉलो मी।